चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 19.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का क्वेश्चन सलूशन कर चुके हैं। आपके जो पिछले दो वीडियो के बाद आप देखिएगा, उससे पहले देखिएगा तो आपको 7 नंबर तक का सलूशन मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को समूहित कर उनका गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड करें, ठीक है। कैसे इसका गुणनखंड करना है देखिए, समझिए। ए नंबर में क्या देखे रखा है देखिए, चलिए क्या है ए नंबर में आपको देखे रखा है, ए क्यूब माइनस 5a² प्लस ए माइनस 5। तो समझिए इस बात को, यहां पर देखिए आपको क्या देखे रखा है, ए क्यूब। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों में ए स्क्वायर होगा, इन दोनों में देखिए दिमाग लगाइए, तो ए स्क्वायर आपको मिलेगा दोनों में। जब इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा क्या इसके अंदर, इसके अंदर ए ना बचेगा क्योंकि तीन को में से तो दो को निकल गया, और माइनस इससे भी ए स्क्वायर निकल गया तो बचा गया 5, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 कॉमन आएगा प्लस 1, है ना, तो 1 लिखा नहीं जाता, यानी क्या आ जाएगा ए माइनस 5, ठीक है। अब यहां पर समझिए इस बात को, दोनों ब्रैकेट में क्या है ए माइनस 5, उसको एक जगह कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा ए माइनस 5, तो अंदर बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस और यहां पर 1, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया, आसान बन गया, अब खुद से बनाइए। बी नंबर में क्या देख रखा है, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी क्या आ जाएगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी दोनों में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर ए एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या माइनस बी, फिर यहाँ पर उसी तरह से प्लस 1 कॉमन लीजिएगा ए एक्स माइनस बी। जब दोनों में से क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स माइनस बी दोनों में है, ए एक्स माइनस बी कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आंसर। सी नंबर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाइए, क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए, तो क्या कॉमन लिया जाए, देखिए दोनों में आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस, दोनों में ए मिल रहा है, ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या ए माइनस, यहां से भी ए निकल गया बी बचेगा, ठीक है। यहां पर देखिए ए इसमें क्या आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस बी और प्लस ए बचेगा, समझ में आया ना, ठीक है। यानी आपका क्या बच गया ए इंटू ए माइनस बी और यहां पर माइनस 1 और ए को आगे लिख दीजिए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई तो आपत्ति नहीं आपको। यहां से देखिए दोनों में ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिख दीजिए और यहां पर क्या बच जाएगा ए माइनस 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हाँ डी नंबर, अच्छा 1 2 3 दिया, 1 2 3 4 1 2 3 अच्छा 4 नंबर कर दीजिए, नंबरिंग में क्या रखा है, हाँ 4 नंबर कीजिए। क्या देखे रखा 4 नंबर में, 2a² माइनस 7ab माइनस 2a प्लस 7b। आपको आवाज आ रही होगी ट्रेन की आवाज, ठीक है, आनंद लीजिए उसका भी। हाँ तो क्या हो जाएगा देखिए, दोनों में a कॉमन आ रहा, a ले लिए तो क्या बचेगा 2a माइनस, ऐसे a निकल गया 7b, ठीक है। यहां से भी उसी तरह माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 2a माइनस 7b, दिमाग लगाइए इसको। अब देखिए दोनों में 2a माइनस 7b है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और यहां पर बचेगा क्या a और यहां पर माइनस 1,
माइनस वन दिख रहा है आपको, लिखे ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, पंचम नंबर देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्या दिख रखा, 2xy-3 ab प्लस 2bx-3ay। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अन्याय, देखिए अन्याय कितना बड़ा अन्याय किया, हे रे, चलो ट्रेन को बोलने दो, बहुत बोल रहा। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2xy, देखिए x वाला का पार्टी यहाँ पर है तो इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पर, 2bx लिख सकते हैं ना। अब ये मत गया क्या, -3ab-3ay। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, देखिए दोनों में 2x है ना, 2x कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचेगा क्या y, यहाँ पर प्लस बी बचेगा, यहाँ पर माइनस क्या कॉमन लीजिएगा, देखिए दोनों में 3 है, बचेगा क्या यहाँ पर b और प्लस y, यानी y प्लस b, ये ना बचेगा। अब यहाँ से क्या आपका आ गया, देखिए दोनों में से y प्लस बी कॉमन आएगा, देखिए y प्लस बी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बचा इसमें। अब यहाँ पर बचेगा कि इस ब्रैकेट में 2x और -3a, ठीक है, समझ में आया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे वाला देखिए 6 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिख रखा है, 5x+3y+10x2+6yx। समझिए, देखिए y वाले को एक जगह कर देते, x वाले को एक जगह, यानी 5x+10x2 को एक जगह लिख दिए, प्लस 3y एक जगह आ गया, प्लस 6yx आ गया एक जगह। अब इन दोनों में देखिए 5x दोनों में मिल रहा, 5x यहाँ पर बचेगा 1+5 10, 2x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, दिमाग लगाइए हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप क्या कॉमन लीजिएगा, प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1+2x, यहाँ पर भी बचेगा क्योंकि 3 × 6 होगा ना। अब 1+2x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तब यहाँ पर बचेगा क्या 5x+3y, ठीक है। है ना, आपका आंसर में इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या है आंसर सेम है, ठीक है। चलिए आगे वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या दिख रखा है, 5-2x-6xy+15y, ये देख रखा है। अब इसको यहाँ पर लेके आ जाइए, 5+15y, अब यहाँ पर बचा क्या, -2x बचा, -6xy बचा, यहाँ से देखिए 5 कॉमन आएगा ना, बचेगा कितना 1 और प्लस 5 × 15, 3y बचा, यहाँ पर क्या बचेगा -2x, तो यहाँ पर बचा क्या 1, क्योंकि 2x तो कॉमन ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पर बचना क्या चाहिए, प्लस होगा क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस है कि नहीं, तो 2 × 6 = 3 और x भी बाहर आ गया तो 3y, देखिए दोनों में सेम ब्रैकेट आएगा हमेशा, सब में वही आ रहा, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, 1+3y कॉमन ले लीजिए, अब बचा क्या 5-2x, ये होगा इसका आंसर, और इसी को पहले इसको लिख दिया क्वेश्चन आपका आंसर में, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिख रखा है कि 3c+15cd-1-5d। बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट इसको देख के डर जाता है कि यहाँ पर सी है सर, डी है सर, उसमें एक्स वाई बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सी है डी है तो वही उसी हिसाब से आप कॉमन लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों में 3c कॉमन आएगा, यहाँ पर बचा कितना 1 और यहाँ पर बचेगा कितना 3 × 5 = 15, 5 और डी बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना 1 और प्लस 5d। यहाँ से अब क्या आ गया, 1+5d आ गया, और आपका यहाँ पर क्या बच गया, 3c-1,
ठीक है, ये आंसर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते थे, एक सेकंड इसको सही करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए यहां पर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखे रखा है, R को मान लिया है x माइनस वाई प्लस टी वाई माइनस एक्स। देखिए तो सिर्फ क्वेश्चन सब उलझाने के लिए देखे रखा है। देखिए R माइनस R कॉमन x माइनस वाई इसको लिख दिए। यहाँ पर देखिए चूंकि हम लोग को x प्लस में लाना है y माइनस में लाना है इस ब्रैकेट के हिसाब से, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए x प्लस में आ जाएगा यानी x और माइनस y हो जाएगा, समझ में आया ना। अब दोनों में x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बच जाएगा, R माइनस टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर में क्या देखे रखा, 4 इंटू ए प्लस बी 3x माइनस वाई माइनस वाई प्लस 6 ए प्लस बी 2y माइनस 3x 2y माइनस 3x। इससे क्वेश्चन देखे रखा है। अब दिमाग लगाइए, आप दिमाग कैसे दिमाग लगाइएगा, कैसे लगाइएगा। a प्लस बी दोनों में नजर आ रहा है, दो भी नजर आ रहा है कि नहीं, तो क्या कॉमन ले लीजिए, द्वितीया छे यानी दो तो आएगा ही आएगा, a प्लस बी भी आ जाएगा, समझ में आया ना। अब यहां पर बच गया क्या, यहां पर आपका बच गया एक ब्रैकेट में 3x माइनस वाई है ना, दूसरा ब्रैकेट ले लिया हम, और यहां पर बच गया क्या, दो कॉमन ले लिए तो प्लस 3 बचा और बच गया इधर 2y माइनस 3x। समझ में आ रहा ना हम क्या कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा 2a प्लस बी और यहां से आप ले लीजिए 3x माइनस वाई। अब ये वाला प्लस है तो प्लस इंटू प्लस हो जाता प्लस, इसको गुना कर देते हैं, 3 × 6y और प्लस माइनस माइनस 3 × 9x होगा ना। अब देखिए समझिए 2a प्लस बी रह गया क्वेश्चन में, इसमें यहां पर बचेगा कितना, देखिए 3x प्लस में है 9x माइनस में है, तो होगा क्या, पहले y को लिख लेते हैं, माइनस वाई प्लस 6y, खुद से बताइए आपका अगर दिमाग पे पावर है तो क्या होगा, माइनस 7y, नहीं गलत सोच रहे हैं। देखिए y रुपया कोई पाता है, 6 रुपया आपके पास है तो वो ले लेगा आपसे y रुपया और कै टका पाएगा, 5y पाएगा तो 5y, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए इसी तरह 3x प्लस में 9x माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x होगा ना। मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 5y माइनस 6x। वाह, आंसर मिलाते जाइएगा, हो सकता है कि आपका आंसर में थोड़ा कहीं पर गड़बड़ मिले, यहीं पर तो गड़बड़ नजर आ रहा है, कैसे गड़बड़। अच्छा द्वितीया 6 × 2 = 4, ओ यहाँ पर 2 को मान लिए तो 2 यहाँ पर आएगा, सॉरी भयंकर सॉरी। हाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, द्वितीया 6x, दिमाग लगे यहाँ पर 2 बचेगा ना, 4 है तो 2 × 4 तो यहाँ पर द्वितीया 6x होगा और ये भी इसके साथ भी गुना आएगा, माइनस 2y होगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 6x माइनस 2y प्लस 6y माइनस 9x। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बना लेते हैं, बचेगा कितना 2 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर बचा कितना, देखिए दिमाग लगाइए 6x माइनस 9x, पहले इसको y को ही ले लीजिए, माइनस 2y प्लस 6y तो कितना होगा, 4y होगा ना, और 6x माइनस 9x तो माइनस 3x होगा, यानी कितना हो गया 2 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर बच गया 4y माइनस 3x, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में
आपका क्वेश्चन है 9a, 6a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 6a माइनस 5b। हाँ तो दिमाग लगाइए, कैसे दिमाग लगाइए आप, देखिए 3 × 9, पहले इसको कॉमन ले लेते इस ब्रैकेट वाले को, उसके बाद में कॉमन लेंगे। इसी तरह से बनेगा ये भी क्वेश्चन, लेकिन आपको समझा दे क्लियरली। देखिए 6a माइनस 5b बचा, बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना 9a माइनस 12a स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इन में से, अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा, यहाँ पर 3 × 9, 3 × 12 है, ये इसमें भी इसमें भी है, तो यहाँ से 3a हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या 6a माइनस 5b, और यहाँ पर कितना आ गया 3 × 9 होता है, तो 3 सिर्फ बचेगा क्योंकि a कॉमन ले लिया गया, माइनस 3 × 12 तो 4, और a स्क्वायर तो 4a है ना खोपड़ी में, तो आपका आंसर यही होगा 3a इंटू 6a माइनस 5b, ठीक है, इंटू 3 माइनस 4a, ठीक है, ये आंसर है आपका, बुक में भी ये देख रखा है। हाँ अब और एक क्वेश्चन बच गया, लेकिन मेरा जगह घट गया, तो इसके लिए दूसरा जुगाड़ लगाते हम, चलिए जुगाड़ लग गया। इसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में क्या देख रखा, 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q, ये देख रखा ना। अच्छा दिमाग लगाइए, अगर भगवान अल्लाह आपको दिमाग सलामत दिया है तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर देखे रखा 2p माइनस 3q, इसमें भी है, तो 2p माइनस 3q तो पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें बचा कितना, देखिए स्क्वायर में है तो एक गो तो बचेगा, एक तो निकल गया ना, स्क्वायर का मतलब कितना, जैसे 4 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 × 4, एक गो अगर निकाल लिए तो एक तो बचेगा, उसी तरह यहाँ पर तो 16 भी बचेगा, और अंदर में क्या बचेगा 2p माइनस 3q, कोई टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर बचेगा कितना माइनस 4, ठीक है। अच्छा आपका और भी देखिए, यहाँ पर 16 यहाँ पर 4, यहाँ पर तो और कोई वेरिएबल है ना, तो 4 भी कॉमन आ सकता है, तो 4 भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 2p माइनस 3q, और यहाँ पर बचा कितना 4 ले लिए तो 4 × 16 4, और 2p माइनस 3q और माइनस 4 को मान ले तो एक बचेगा, 0 नहीं, 1, 4 × 1 = 4, ठीक है। अब थोड़ा आंसर को देखते हुए इसको बनाते हैं, तो आपका आंसर में लिखा है जिस तरह हम बनाएंगे इस तरह से 4 इंटू 2p माइनस 3q, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8p माइनस 4 × 3 = 12 q और माइनस 4 × 1 = 4। रुकिए समझिए देखिए आप, अच्छा माइनस 1 बचेगा, सॉरी ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर नहीं है, तो माइनस 1 4 नहीं बचेगा, ऐसे ब्रैकेट, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप बनाइए और मेहनत करते रहिए, ठीक है, आपको जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर पूछते रहिए, ठीक है, चलिए थैंक यू।